नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं भर्ती स्थल आगरा पर, और आपको बता दें कि कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई की है। तो रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आगे क्या क्या एक्टिविटी हुई थी, उन अभ्यर्थियों के माध्यम से आपको बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? अंकुश कुमार। कहाँ से हो? मैं यही सदर तहसील से हूँ। सदर से ही? हाँ। तो यानी कि किस ट्रेड में दौड़े थे आप? मैं ट्रेडमैन में दौड़ा था। अच्छा, जिस दिन ट्रेड्समैन की भर्ती थी उस दिन आप आए थे। तो कितने बैच बने थे उस दिन? उस दिन बने थे हमारे टाइम पे तो 6 बने थे, लेकिन जब मेरी क्वालिफाई हो गई थी उसके बाद 2 बैच और बैठाए गए, यानी कि 8 बैच बने थे। 8 बैच बने थे। आपके बैच में कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की थी? मेरे बैच में तो 26 में की थी, जिसमें एक्सीलेंट सिर्फ मुझे ही पकड़ा था और बाकी 25 में गुड़ में पकड़े थे सारे। यानी कि टोटल कितने बच्चे थे बैच में? टोटल 90 बच्चे थे। 90 में से 26 ने रनिंग क्वालिफाई किया, जिसमें से आपने एक्सीलेंट सिर्फ एक्सीलेंट एक ही बंदा पकड़ा है उसी बैच में, सिर्फ 5 में मैं, और बाकी में 12, 13, 14 जितने जहाँ उतने पकड़ रहे हैं एक्सीलेंट में। अच्छा, आपकी भैया क्या टाइमिंग रहती थी? मेरी टाइमिंग यहाँ ग्राउंड की टाइमिंग 40 की 45 तक आया, इसी में करते थे तैयारी। तो उसी का बेनिफिट मिला क्या? हाँ, उसी का बेनिफिट है यार, जाके मजे आ गए। नंबर आगे आया था आपका बैच में? नहीं, मैं सबसे लास्ट में लगा था, और फिर मैंने 100 मीटर पे ही मतलब कवर कर लिए थे सारे बंदे, और 200 पे अपने नॉर्मल चला था। 400 कंप्लीट करने के बाद तो मैंने 20-30 की लीड दे दी थी, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। और फिर अच्छा, उस दिन तो यार जैसे जिस दिन आपकी भर्ती हुई थी उस दिन तो शायद मुझे लग रहा है कि ट्रैक भी गीला होगा। उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा था, मतलब इतना गीला नहीं था, सही था, दौड़ने लायक था, दौड़ने लायक था, ऐसा नहीं कि रपटा रपटी होगी, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जैसे आपकी रनिंग क्वालिफाई हो गई, रनिंग क्वालिफाई होने के बाद फिर आगे क्या हुआ? रनिंग क्वालिफाई होने के बाद फौजी ने मुझे अलग बैठा ला और बाकी सब अलग बैठाया, हरी चिट लगाई, मोर लगाई एक गर्दन पे और एक यहाँ लगाई थी एक्सीलेंट की, उसके बाद हरा पट्टा पहनाया, उसके बाद थोड़ी देर में बैठा के अपना बैग लेने भेजा, फिर जो सारे बंदे थे मुझे आगे लगा के और पीछे घुड़ वाले को लगा के ऊपर ले गए थे सीढ़ियों पे, वहाँ पे पहले अंगूठा वेरीफाई हुआ, फिर आँखों पे गॉगल्स लगाए गए थे, उसके बाद फिर अपना सिग्नेचर कराए थे, और उसके बाद फिर बिठा के सीधा वहाँ पे ले गए थे बीम लगाने। बीम लगाने के बाद जिग जैग वगैरह और बीम होने कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा हाइट और चेस्ट ये सारी चीज़ नपी थी, और ज़्यादातर बंदे हाइट में जा रहे थे और वजन में भी जा रहे थे। उसके बाद अपना आधार वेरिफिकेशन हो रहा था, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट जमा होने के लिए कागज़ वगैरह और एफिडेविट वगैरह पूरे कंप्लीट करवाए गए थे। उसके बाद कागज़ जमा होने के बाद डेट दी जाती है मेडिकल की दूसरे दिन के लिए। अच्छा, जैसे टोटल 26 बच्चों ने आपके बैच में से रनिंग क्वालिफाई की थी, तो रनिंग के बाद की जो आगे की जो एक्टिविटी हुई थी, सभी एक्टिविटी में फाइनल कितने बच्चे पास हुए? फाइनल रनिंग के बाद 26 में से, 26 में से सिर्फ मेडिकल जोड़ के या फिर ऐसे मेडिकल तक कितने पहुंचे? मेडिकल तक पहुंचे पूरे बैच के आए थे उसमें, तो कलेक्ट हुए थे पूरे बैच में 121 बंदे मतलब पास हुए थे उस दिन। उस दिन और 92 को फेल किया गया था, उसमें से 21 बंदे पास हुए थे। यानी कि टोटल 121 बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की उस दिन, उसमें थोड़े जीडी के भी थे और ऐसा दो चार दिन के थे। यानी अच्छा, सबसे ज्यादा किस में फेल हुए रनिंग के बाद? सबसे ज्यादा कहाँ बच्चे डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं? हाइट में। हाइट में, यानी इनकी फिक्स है तो हाइट टाइट नाप रहे हैं क्या, खींच के? हाइट खींच के नाप रहे हैं, और गर्दन को मतलब कोई ज्यादा खींचता है उसमें मतलब दे रहे हैं खींच के दबा के। अच्छा, आपकी एक्चुअल में कितनी हाइट है? मेरी 171। यहाँ कितनी बिठाई थी? मतलब वैसे तो 172 है, लेकिन वहाँ 171 बैठी, यानी कि 1 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है। अच्छा, वेट में भी निकल रहे हैं? वेट में भी निकल रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में निकला कोई अभ्यर्थी आपके सामने? मेरे सामने तो एक आया था, बस द्वारा हाई स्कूल करके आया था, उसको पकड़ा था। उसको कैसे पकड़ में आया, वो कैसे पता चला उसका? मोटा वेरीफाई हुआ था, उसके बाद पता चल गई थी, पुराना डाटा खुल गया होगा। लेकिन फौजी मार बार नहीं रहे अब की, थोड़ा सीन सही है, यानी पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, बस पकड़ के बाहर निकाल दे रहे हैं, समझा बजा के उसे छोड़ दिया भैया, वो डाटा का सिस्टम। और भैया अच्छा ये बताओ भैया, जैसे कि एंट्री के समय तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट, इससे एंट्री मिल रही है, फिर रनिंग क्वालिफाई करने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है जो उस समय होने ही चाहिए? होने चाहिए आप, अगर देखो आपने एड से कोई देख रहा है तो टीसी होनी चाहिए आप पे, और वैसे हाई स्कूल से देख रहा है कोई तो मेन जो अदर होता है वो अपना प्रधान वगैरह का या किसी का, ये अपने करेक्टर सर्टिफिकेट और अवैध पत्र ये तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर एक दिन का टाइम देते हैं, वो दूसरे दिन बुला लेते हैं। यानी कि किसी के पास भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए एक दिन का समय दिया जाता है। तो फिर उसमें कुछ लिखवाया जाता है कि वो रेड कलर की स्लिप भरवा के उसको, उसमें भी टाइम लगता है, फिर उसे जमा करा के फिर एक आपको एक टोकन दिया जाएगा, फिर आपको रिलीज किया जाएगा। तो मेडिकल हो गया आपका? मेडिकल हो गया। ग्राउंड फिट हो? मेडिकल में क्या क्या विशेष फोकस किस चीज पे रहा था मेडिकल में? सबसे ज्यादा फोकस नस चेक की जा रही है, और अपनी बॉडी का टेक्सचर टेढ़ा मेढ़ा ना हो,
और हाथों को चेक किया जा रहा है कोई वो ना हो, बेंड ना हो। हाँ, और कान पे ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि एक बंदे के कान में थोड़ी दिक्कत थी, उसके लिए भी आउट कर दिया, वो साफ नहीं देखा, हम उसके पॉइंट दे दिया। तो पॉइंट के बाद कितने समय डेट कब की दी जा रही है जो जानकारी मेडिकल? दूसरे दिन यही एमएच आगरा। तो अभी आपने बहुत अच्छा, आपने अपने बैच में एक्सीलेंट दौड़ भी क्वालिफाई की, आप मेडिकल भी फिट हो। रिटन टेस्ट में कितने क्वेश्चन किए थे? मैंने तो 40 प्लस किए थे, वैसे मतलब 43 किए थे पर उसमें 3 मेरे डाउट थे, तो 40 पक्के मान सकते हो। 35 प्लस क्वेश्चन तो सही होंगे? ये तो हो सकता है। तो आपका हो गया फौजी बनने का अपना पूरा, है ना? कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है अभी? तो वैसे इसको मार के तो खुशी नहीं है, वो तो सब मेरिट में ही पता चलेगी, मेरिट आएगी तभी। अभी तो जो मेहनत है वो तो मैंने कर दी अपनी, अब ऊपर वाला देखेगा क्या होगा। कौन सी भर्ती है लैब की? मेरी दूसरी भर्ती है। इससे पहले जो आपने भर्ती देखी थी उस समय रिटन टेस्ट नहीं होता था? हाँ, पहले है ना, पहले पहले फिजिकल से स्टार्टिंग होती थी भर्ती प्रक्रिया की, इस बार रिटन टेस्ट से हुई है। तो अभी आपने दोनों बार देखा, पहली बार भी देखी था, अब भी देखा है, तो आपके अकॉर्डिंग ये जो इस बार जो प्रणाली की गई है रिटन टेस्ट वाली, क्या ये सही है? ये सही है। क्या बेनिफिट है इससे? इससे बेनिफिट ये है कि जो कोई भी बंदा होता है जो नहीं पढ़ा लिखा होता है तो पहले ही आउट हो जाए तो अच्छा रहता नहीं, अगर दौड़ मार के जाता है तो उसे बहुत दुख होता है। तो आगामी समय अभी 2 दिन बच्चों के लिए रनिंग के लिए भी है और फिर और बढ़ती आ रही है, लगभग सितंबर में चांसेस हैं लग रहा है अभी। तो क्या कहना चाहोगे जो अभ्यर्थी बेचारे जिन्होंने बहुत अच्छा रिटन टेस्ट में स्कोर किया लेकिन किसी भी कारणवश निर्धारित समय में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस चीज के पीछे ना पड़े, अगर अच्छी पढ़ाई है तो आप पुलिस वुलिस की तैयारी करें और उससे भी अच्छी कई नौकरियां उसकी तैयारी करें। तो ज्वाइनिंग लोगे आर्मी में? बिल्कुल लेंगे हम तो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ ये मौजूद है जिन्होंने ट्रेड्समैन में रनिंग क्वालिफाई की, उसके बाद आगे की एक्टिविटी में भाग लिया और सभी में क्वालिफाई करते हुए इन्होंने मेडिकल तक पहुंचे, मेडिकल में भी एक ग्राउंड फिट हुए हैं, बहुत ही अच्छा इनके लिए, इनका गुड लक है। और इनके लाइफ की दूसरी भर्ती है, रिटन टेस्ट में भी अच्छा स्कोर किया है और चाहते हैं कि इनका सपना, भाई मेहनत की है तो मेहनत का तो फल मिलता ही है और ये लग रहा है कि इनका सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।